साथियों हम शुरू करते हैं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल काउंसिल मीटिंग में. यस्टरडे वी हैड ए गुड साउथ एशियन कन्वेंशन, साउथ एशियन रीजनल फोरम फॉर सेफ एंड सिक्योर एजुकेशन, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर नेशनल काउंसिल. ये नेशनल काउंसिल मीटिंग शायद चुनाव के पहले की आखिरी मीटिंग हो, अगर क्योंकि दिसंबर में 3 राज्य के चुनाव हैं तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि पार्लियामेंट और 3 राज्यों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं. तो इसलिए बहुत सारे टास्क हैं हमको इस मीटिंग में करने के लिए. पहला तो ये कि क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में, उसके बारे में हमको यहाँ चर्चा करनी है. दूसरा, कैंपेन को और कैसे गहरा बनाना है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेज हमारे सामने हैं. स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, फंडिंग जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है, और फिर इधर कानून को भी डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है, आरटी एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है. एक समग्र शिक्षा अभियान की चर्चा हो रही है, आप जानते हैं, वो लॉन्च कर दिया गया है जिसमें एसएसए आरएमएसए और टीचर एजुकेशन को मर्ज कर दिया गया है. क्या भविष्य में उसका स्वरूप होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे. तो देर आर मैनी चैलेंजेस विच नीड टू बी डिस्कस इन दिस मीटिंग, एंड देन वी हैव टू मेक अवर स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर, बिकॉज इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू इंटर इन टू जनरल इलेक्शन. तो उसके लिए भी हमको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है. दूसरा कि आरटी फोरम का एक्सपेंशन का एक एजेंडा था, इसको कैसे और ज़्यादा विस्तारित किया जाए, बड़ा किया जाए, क्योंकि दिस इज ए लार्जेस्ट फोरम प्लेटफॉर्म वेयर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनिस्ट, टीचर्स एसोसिएशन, दे हैव कम टुगेदर एट दिस प्लेटफॉर्म. इसको और कैसे एक्सपैंड किया जाए, तो हमने एक कार्डर बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू किया था. उस कार्डर बिल्डिंग के प्रोसेस को और कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे. और कल जो मीटिंग में कॉलिन गोंजाल्विस ने जुडिशियल इंटरवेंशन की बात किया, एंड ही पावरफुली ही एक्सप्लेन्ड दैट देयर इज पीआईएल पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड जस्ट दे आर वेटिंग टू चेंज द चीफ जस्टिस, यू नो. सो गोगोई इज कमिंग इन प्लेस ऑफ दीपक मिश्रा. तो वो एक बड़ी पावरफुल पीआईएल है जिसमें वो चाहते हैं कि आरटी फोरम पूरी ताकत से उसमें जुड़े, और स्टेट्स में भी अब जुडिशियल इंटरवेंशन को आगे बढ़ाया जाए. तो उस पर भी हम करेंगे, और हमने कॉलिन को इनवाइट भी किया है. जस्ट वी आर लुकिंग दैट हमारे एजेंडे में कल तक के क्या स्लॉट होगा जिसमें कॉलिन को हम बुलाएं और उनसे कहें कि. तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और पूनम जी का भी स्वागत करता हूं, प्रोफेसर पूनम बत्रा. यू नो पूनम बत्रा जी बहुत लंबे समय से आरटी फोरम के साथ बहुत सारे मौक़ों पर आई हैं, हमारे कन्वेंशन में, बहुत सारी मीटिंग्स में, और इन्होंने हमको बहुत गाइड किया है. तो इस मौके पर हमने नेशनल काउंसिल में उनको इन्वाइट किया है कि वो आएँ, और वो हमारे समग्र शिक्षा अभियान जो हो रहा है, जिसकी वजह से एक काफ़ी बड़ा चेंज होने जा रहा है स्कूल एजुकेशन में, उस पर हम चर्चा करेंगे. एंड दिस सेशन विल बी चेयर्ड बाय माई फ्रेंड डॉक्टर निरंजन आराध्या फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल. So I will invite Dr. Niranjan Aradhya to come here and chair the session. Or Professor Dubey ko humne invite kiya hai isme. I think he is not, he may be come or not, because he is not good in health. Oh, just he feeling tired. To, aur is par phir hum chahenge ki ek open discussion ho, taki humko ye samajh mein aa jaye कि अभी आरटीई को लेके हम काम कर रहे हैं और आरटीई के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं,
फिर ये समग्र शिक्षा अभियान कहाँ से आ गया? और अगर इस ये आ गया तो ये हमारे मांग की जीत है या फिर इससे हमारे जो लीगल राइट्स हैं वो डाइल्यूट? क्योंकि देर आर टू ओपिनियन. समबडी टोल्ड दैट पीपल आर डिमांडिंग टू ब्रिंग प्री प्राइमरी एंड एक्सटेंड इट हायर सेकेंडरी एंड मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड रूल्स एंड ऑल दिस. सो दिस विल हेल्प टू consolidate the whole school education from pre-primary to higher secondary. So fragmentation will go, remove. So इसलिए it's a one step forward towards the making a legal right. एक opinion ये है. और दूसरी opinion ये है कि the focus, entire focus will be shifted towards the scheme instead of implementation of the legal right. सो लीगल राइट के डाइल्यूजन का भी खतरा है और फिर फंड का भी जो मर्ज कर जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मर्ज कर जाएगा, तो उससे जो हमारा फोकस था एलिमेंट्री का, सेकेंडरी एजुकेशन का, अलग अलग, वो सब डाइल्यूट करेगा. एक सेकेंड ओपिनियन है. नाउ वी हैव टू टेक ए पोजिशन ऑन द समग्र शिक्षा अभियान, क्योंकि हमारे बीच में भी वॉइसेज डिवाइडेड हैं, तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा चर्चा करके इस पर एक फर्म पोजिशन लेना होगा आरटी फोरम का, कि वेदर समग्र शिक्षा अभियान विल हेल्प टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन इक्विटेबली और दिस समग्र शिक्षा अभियान विल डाइल्यूट व्हाट वी हैव अचीव्ड इन द पास्ट थ्रू द लीगल राइट. तो इसलिए इस पर एक पोजीशन हमको लेने की ज़रूरत है. तो मैं ये सेशन उसी से शुरू होगा. सो आई एम जस्ट हैंडिंग ओवर माइक टू द Dr. Niranjan, and then Dr. Indra Vista.